तो भाई देखो इस डॉग को मेरी गाड़ी के ऊपर चढ़ के सोया हुआ है। हियर वी आर एट लखनपुर और भाई मम्मी की फरमाइश है लखनपुर के फेमस पल्ले और साथ में सब्जी और फ्रूट लेना है। सो गाइस लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू भाई, ये रणजीत सागर डैम का साइज देखो भाई, घोड़े की तरह हो गया पूरा खा खा के। ओए नो नो, घूम कर क्या घूमी कर क्या बार जैक। What's up guys, welcome back to another vlog. I hope you guys are doing well. तो guys अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं और भाई मैं नहा धो के हो चुका हूँ रेडी, क्योंकि यार मेरे को अभी निकलना है घर के लिए, बिकॉज आई वेंट फीलिंग गुड फॉर अ फ्यू डेज। तो यार यहाँ रहने से बेटर है कि मैं घर चले जाऊँ, और भाई ऐसे तो सोचा था कि मैंने कि पूरा अपना जो प्रोजेक्ट मेरी डिसर्टेशन है उसके बाद ही घर जाऊँगा यहाँ से मैं, बट गाइस कंडीशन ऐसी आ गई है यार, मैं 3-4 दिन से मतलब मेरे को बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा, और भाई ऊपर से अपने दोस्त लोग भी चले गए हैं घर, और उसके बाद यार यहाँ पे खाना मैस अपने सब कुछ बंद हो चुका है, तो बाहर ही खाना पड़ता है वही ढाबे का मसालेदार खाना, आई थिंक वही मेरा बीमार होने का रीजन है। तो यार अभी फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि मैंने कल के कुछ टेस्ट दिए हुए करवाने गांधीनगर में, तो वहाँ से उसकी रिपोर्ट पिक करेंगे। तो गाइस भाई फाइनली हॉस्टल से निकल रहे हैं, और गाइस आपका मौसम दिखाता हूँ भाई आपको, गजब के बादल रखे हैं, और भाई सबको बोलते हैं बाय और निकलते हैं यहाँ से अभी। भैया बाय 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 भैया। तो भाई देखो इस डॉग को मेरी गाड़ी के ऊपर चढ़ के सोया हुआ है। ओए चल नीचे चल नीचे चल नीचे, हद है भाई। वो देखो यार आगे इसने पूरे निशान डाले हुए हैं पाँव के, मतलब रोज ही यहाँ पे बैठा होता है। जय माता दी। तो गाइस सामने बाबे माता का मंदिर, तो आप भी टेक लो मत्था, फिर करते हैं आज का सफर स्टार्ट। तो भाई निकलते ही देखो बारिश भी हो चुकी है शुरू, एंड लिटरली गाइस जो कल भी जम्मू में बारिश हुई है ना, इस मॉनसून की सबसे खतरनाक वाली बारिश हुई है। ये जो रोड आपको दिख रहा है भाई पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ था, एंड आज भी हो चुकी है स्टार्ट। अब देखते हैं भाई आज कितनी होती है। तो गाइस रिपोर्ट्स ले ली हैं, बट भाई इनको घर पे जाके चेक करते हैं, यार बहुत सारी हैं और अपने को वैसे ही पता चलना नहीं है सही से, डॉक्टर को भी चेक करवा लेंगे। चलो निकलते हैं अभी फिलहाल। बारिश कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो चुकी है, एंड गाइस आपको मैंने बताया नहीं था आज भाई मैं जाऊँगा वाया कठुआ, यानी कठुआ से होकर जाऊँगा, क्योंकि दीदी को भी घर जाना था और वो वहीं पे है, उसको वहीं से पिक कर लेंगे, क्योंकि वो बोल रही है कि बारिश काफ़ी ज़्यादा लगी है वहाँ। सबसे स्लोएस्ट टोल प्लाजा ऑफ जम्मू भाई, यहाँ पे तो भीड़ लगनी लगनी है, मतलब एक गाड़ी होगी उसको भी 15 मिनट लगा के भेजेंगे आगे। ऊपर से भाई इनके स्कैनर फास्टैग तो स्कैन करते ही नहीं है। तो गाइस सांबा पहुँच चुके हैं, बट भाई देखो यार तगड़ा वाला ट्रैफिक जाम यहाँ पे लग चुका है, क्योंकि यार फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन चल रही है और ऊपर से भाई बारिश लग चुकी है, तो यार स्लश मिट्टी कीचड़ इतना ज़्यादा है ना रोड पे। तो भाई पहुंच चुका हूँ भाई मैं कठुआ, अभी फटाफट से दीदी को पिक करते हैं, और भाई मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, तो दीदी को मैंने बोला था कि कुछ सिंपल सा बना देना पुलाव वगैरह, तो वो लेके आ रही है सब टिफिन में, तो वो भी खा लूँगा मैं, क्योंकि यार 1 बज चुका है और सुबह का मैंने कुछ खाया नहीं है। तो भाई ये है GDC कठुआ, एंड गाइस देखो कठुआ में भाई जम के बारिश हो रही है अभी तक भाई, पूरे रास्ते में ऐसी ऐसी बारिश रही है, तभी ज़्यादा शूट भी नहीं किया रास्ते में मैंने, क्योंकि एक तो बारिश है ऊपर से भाई शूट करो फिर थोड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि पानी भी भरा हुआ है रास्ते में और ऊपर से भाई कंस्ट्रक्शन का काम लगा है पूरे के पूरे हाईवे पे। तो भाई दी भी आ चुकी है, रोटी लंदी रोटी। तो भाई पहले मैं खाऊंगा यार खाना, उसके बाद काम दूजा भाई। तो भाई जी ने देखो मस्त पुलाव बना के लाए हैं भाई, इसको खाते हैं दही से, क्योंकि यार अपने को लग रही है बहुत तेज़ भूख, फिर निकलते हैं उसके बाद आगे। हियर वी आर एट लखनपुर और भाई मम्मी की फरमाइश है लखनपुर के फेमस पल्ले और साथ में सब्जी और फ्रूट लेना है, तो फटाक से लेते हैं। निकला मैं प्यार में पैक करो सिंपल सिंपल। हेलो सर प्यार में कितने 15। तो भाई सारा का सारा सामान ले लिए हैं, ये पल्ले हो गए अपने और ये फ्रूट और सब्जी, तो अब निकलते सीधा नॉन स्टॉप यहाँ से। जैसे हम लोग पहुँचे भाई अभी थे, तो यहाँ पे मेरे रुकने का रीज़न है क्योंकि भाई कुछ नज़ारे हमें दिख रहे थे, सोचा कि आप लोगों को थोड़ा दिखा दें। सो गाइस लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू भाई, ये है रणजीत सागर डैम और जो सामने आपको एरिया दिख रहा है ये है पुरथू, और भाई जो पहाड़ों में बादल देखो यार कितना अमेजिंग, ऐसे लग रहा है कोई सीनरी आगे लगी हुई है हमारे, और जो सामने आपको जो पिलर दिख रहे हैं दो वो है अटल सेतु ब्रिज, उसके उस पार है हिमाचल और पंजाब और इस तरफ J&K। एंड गाइस ये जो आपको सामने वाला एरिया दिख रहा है पहाड़ी दिख रही है, ये भी मतलब इसके इस बीच में बॉर्डर है, इस तरफ हिमाचल और इस तरफ पंजाब,
तो भाई यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था, सिर्फ ग्रीनरी दिख रही थी। सोचा कि यहाँ पे रुकता हूँ एक बार, आपको भी दिखाई देता हूँ यार ये वाला व्यू, क्योंकि ये व्यू जो है होता है कि बारिश के इंस्टेंट बाद, जब जैसे बारिश रुकती है उसके बाद ऐसा व्यू दिखता है, ऐसे रोज रोज तो दिखता नहीं है। सोचा कि आपको भी दिखा दें, अभी निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस पहुंच चुके हैं अपने लिंक रोड पे, और भाई देखो बारिश से क्या हाल हुआ इसका। बट गाइस आई एम वेरी मच एक्साइटेड, भाई जैक का क्या रिएक्शन होगा तो आपको दिखाते हैं। खोलो खोलो। तो भाई जैक अंदर से भूखने स्टार्ट हो चुका है। देखो नमस्ते नमस्ते। और गाइस ये मेरी दादी है। बड़ा बड़ा दूर है देखे मंदिर की। अच्छा व्लॉग दिखा। वो देख वो देख वो भी है किसी प्रोग्राम। तो भाई अपना ऋषि भी देखो कितना बड़ा है, दिखा है भाई कौन है ये। तो गाइस दादी भी देखो अपने व्लॉग देखती हैं, इन्होंने वही बात कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग गए थे अभी अमृतसर गोल्डन टेंपल। सो गाइस मीट माय मम्मी। इतने दिनों बाद घर आके इतना सही लग रहा है ना। तो भाई देखो इसको पहुंच गई जैक। ए सिट नो। क्या हुआ भाई क्या हुआ क्या हुआ, आराम से भाई। इतना एक्साइटेड हो जाता ना फिर इसकी सिर्फ सांस ही फूलती रहती है। नीचे बैठो नीचे बैठो। सिट गुड बॉय। उठना नहीं अभी ठीक है। तो गाइस देखो भाई कितना बड़ा हो गया है, लेकिन अब बिल्कुल नहीं रुक रहा। देखो कितनी पावर आ गई है भाई इसमें। आज तक चेंज करके जस्ट बैठा था और सोच रहा भाई पहले अपनी रिपोर्ट्स जो है वो चेक करवा था डॉक्टर को, क्योंकि भाई खुद इतना पता लगेगा नहीं सही से। लोकल डॉक्टर हमारे फिंतर में, उनके पास जाऊंगा चेक करवाऊंगा, उसके बाद देखते हैं वो क्या बोलते हैं, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर डॉक्टर को चेक करवाना पड़ेगा कहीं और। बट फिलहाल चलते हैं उनके पास, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। जब से भाई आए हैं ना हम लोग, इस बंदे ने भोंक भोंक के ना हद ही कर दी है। इसका साइज देखो भाई, घोड़े की तरह हो गया पूरा खा खा के। चल घूम कर क्या, घूमी कर क्या बार जैक, घूमी कर क्या हो, घूमी कर क्या हो, ओहो जैकू घूमी कर क्या हो, मेरे को बाहर जाना है, जाओ घूम क्या हो। बिल्कुल भी अभी घर से जाने का मन कर नहीं रहा मेरा, क्योंकि सुबह से गाड़ी चला रहा था, काफी थक गया हूँ। बट यार रिपोर्ट चेक करवानी जरूरी है, जाना पड़ेगा पहले। इस लोंडे के ड्रामे देखना अब। चलो ठीक है मम्मी। क्या 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 हुआ, बैठो। आ रहा हूँ मैं। गाइस देखो यहाँ पे धान की फसल लग रही है भाई, पूरा का पूरा ग्रीन ग्रीन हो रखा है, काफी सही लग रहा है। तो गाइस पहुंच चुके हैं फिंतर, और भाई इस चौक पे इतनी भसड़ मचाई होती है लोगों ने ना। अभी जस्ट मैं पीछे था तो भाई ठेके के सामने लोगों ने ऐसे गाड़ियां लगा दी हैं बीच में ही। मतलब भाई पहले अपना सामान लेना जरूरी है, लोग जाएंगे भाड़ में। तो गाइस डॉक्टर के पास भी पहुंच चुके हैं, रिपोर्ट्स करवाते हैं चेक, उसके बाद बताता हूँ आपको क्या बोलते हैं डॉक्टर। तो जी रिपोर्ट्स नहीं तो चेक करूँगा। तो गाइस रिपोर्ट्स चेक करवा के वापस आ चुका हूँ घर, एंड गाइस डॉक्टर ने बोला कि हल्का सा बिलरुबिन हाई है। और भाई सबसे जो हैरानगी वाली चीज़ लगी वो है यूरिक एसिड, मेरा यूरिक एसिड है वो ज़्यादा हाई है थोड़ा। और डॉक्टर ने भी बोला यार आपकी इस एज में आपका इतना हाई होना नहीं चाहिए, बट भाई वही चक्कर है ना कि बाहर का खाओगे तो इतना ऑयली स्पाइसी तो ऐसा तो होना बनता ही है। चलो जो भी है डॉक्टर ने दवाई दे दी है, उन्होंने बोला कि हफ्ता खाओ उसके बाद दोबारा टेस्ट करवाना है, उसके बाद अगर फिर भी ऐसा हुआ तो कहीं और चेक करवा लेंगे। बट यार ऐसे हम लोग इन्हीं के पास चेक करवाते हैं बचपन से ही, तो मैंने वहीं से दवाई ले ली। फिर जैक कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, नशा रस्सी दे उड़। तो भाई देखो पूरे खेतों में इस टाइम धान की फसल लग रही है, इसको हम लोग और बोलते हैं। बचपन में भाई हम लोग कीचड़ में इतना खेलते थे ना। मैं ये अगर सेहत ठीक होती तो भाई खेत में पक्का जाता मैं। देखते हैं अभी थोड़ी दिन में घर पे ही हूँ, अगर ठीक हुआ तो, अगर ख़त्म नहीं हुआ होगा तो खेत में जाएंगे, वो वाला व्लॉग भी बनाएंगे, क्योंकि भाई गाँव है आपको सब कुछ दिखाएंगे गाँव का। बट फिलहाल इसकी मस्ती देखो यार, डंडा डाला हुआ मुँह में। जैक
जैक भाई इतना जोर है ना इसको। कुत्ता हो गया देखो भाई, खेत से अभी भी आ रहे हैं। जैकी बट गाइस लुक एट दिस अमेजिंग व्यू, ये हमारे घर का व्यू है देखो, हर तरफ हरियाली हरियाली है बस और आसमान। सो गाइस लेट्स एंड दिस व्लॉग विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। सो कैच यू लेटर इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।